नमस्कार, बीएससी पार्ट सेकंड के समस्त अकार्बनिक रसायन विज्ञान के विद्यार्थियों का मैं सुनील शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हैं, मैं आप लोगों की बीएससी पार्ट सेकंड के प्रथम पत्र रसायन विज्ञान के प्रथम पत्र में अकार्बनिक रसायन में आप लोगों की सहायता के लिए हाजिर हूँ। ऑनलाइन क्लासेज में हम लोगों ने पहली यूनिट जो थी वो किया था, जिसमें संक्रमण तत्वों का रसायन किया। उसके बाद हम लोग आए हैं इसके पेपर के पांचवी यूनिट में, अम्ल और क्षार जिसका शीर्षक है। उस शीर्षक में हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले आरेनियस की सिद्धांत के बारे में, दूसरा सिद्धांत पढ़ा था ब्रांस्टेड लोरी के बारे में। ब्रांस्टेड लोरी के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि सभी प्रकार के प्रोटॉन स्थानांतरण प्रक्रमों को उदासीनीकरण प्रक्रम भी कहा जा सकता है। ये उदाहरण देखिएगा, CH3COOH जो कि एसिड 1 है, A1 कैटेगरी प्लस OH B2 बेस क्षार द्वितीय के साथ अभिक्रिया करके बना देता है CH3COO- जो कि B1 है, और प्लस H2O जो कि एसिड दूसरे प्रकार का A2 है। इसी प्रकार से अमोनियम आयन की बात करते हैं, NH4 प्लस आयन A1 प्लस CN- ये B2 है, रिवर्सिबल रिएक्शन NH3 B1 प्लस HCN जो है ये A2 प्रकार का इसमें होता है। अब हम बात करते हैं इन्हीं के अन्य उदाहरण की जो कि प्रोटॉन स्थानांतरण साम्य को प्रदर्शित करने वाले हैं। ये रिएक्शंस हैं जिसमें एसिड 1 प्लस बेस 2 रिवर्सिबल रिएक्शन होने के पश्चात एसिड 2 बनता है और बेस 1 के सीक्वेंस में जमा रहता है। पहली रिएक्शन है HClO4 प्लस H2O रिएक्ट करके बनाता है H3O प्लस एसिड 2 और ये ClO4- जो कि बेस 1 होता है। इसी प्रकार से HSO4- प्लस H2O रिएक्ट होकर बनाता है H3O प्लस जो कि एसिड 2 और प्लस SO4 2- जो कि बेस 1 है। इसी प्रकार से NH4 प्लस आयन अमोनियम आयन जो है वो साइनाइड आयन के साथ रिएक्ट करके बनाता है HCN एसिड 2 प्लस NH3। इसी प्रकार से CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस NH3 रिवर्सिबल रिएक्शंस करके बनाता है NH4 प्लस और CH3COO-। NH4 अमोनियम आयन सल्फाइड आयन के साथ रिएक्ट करके बनाता है HS- प्लस NH3। इसी प्रकार H2O प्लस CO3 2- रिवर्सिबल रिएक्शन बनाता है H3O3 बाइकार्बोनेट प्लस OH-। HNO3 प्लस H2O बनाता है H3O प्लस और प्लस NO3-। इसी प्रकार से CH3COOH प्लस H2O बनाता है H3O प्लस और CH3COO-। अमोनियम आयन एसिटिक आयन के साथ NH4 प्लस CH3COO- रिएक्शन करके बनाता है CH3COOH प्लस NH3। CH3COOH प्लस HS हाइड्रोजन सल्फाइड आयन रिएक्ट करके बनाता है H2S गैस प्लस CH3COO- जो कि बेस 1 होता है, H2S जो कि एसिड 2 होती है। NH2 होल ट्वाइस CO प्लस NH3 रिवर्सिबल रिएक्शन बनाता है अमोनियम आयन NH4 प्लस प्लस NH2 C डबल बॉन्ड O NH-। H2O प्लस CN- रिवर्सिबल रिएक्शन बनाता है HCN प्लस OH-। ये ऐसी कुछ रिएक्शंस हैं जो प्रोटॉन स्थानांतरण के साम्य को प्रदर्शित करने वाली हैं। आप इन सभी उदाहरणों को अच्छी तरह से अपने जो नोटबुक है उसमें नोट करें। इसके आगे बात करते हैं किसी यौगिक की अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति या प्रकृति जो है उसका निर्धारण प्रयुक्त विलायक के आधार पर ही संभव हो सकता है। तो यहाँ जैसे जल है, जल अणु HNO3 के साथ प्रोटॉन ग्राही
है, यानी कि जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उन्हें ब्रॉन्स्टेन लॉरी साहब ने क्षार कैटेगरी में डाला। जल अणु HNO3 के साथ प्रोटॉन ग्राही यानी कि क्षार का व्यवहार दिखाते हैं, जबकि NH3 के साथ ये प्रोटॉन दाता यानी कि अम्ल का व्यवहार प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए देखें HNO3 plus H2O रिवर्सिबल रिएक्शन H3O plus plus NO3 minus जो कि Ac2 और B1 है। इसी प्रकार NH3 B1 बेस प्लस H2O A2 रिवर्सिबल रिएक्शन बनाता अमोनियम लवण NH4 प्लस जो कि एसिड 1 है प्लस OH माइनस हाइड्रोक्सी लाइन जो कि क्षार 2 है। इसी प्रकार HNO3 जलीय विलयन ने अम्ल की तरह व्यवहार करता है। HNO3 जो है वो जलीय विलयन में अम्ल की तरह व्यवहार करता है। देखिए HNO3 प्लस H2O रिवर्सिबल रिएक्शन H3O प्लस जो कि A2 प्लस NO3 माइनस B1, जबकि NH3 द्रव जो है NH3 द्रव HF में NH3 अमोनिया द्रव HF के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये अपनी क्षार की तरह व्यवहार प्रकट करता है। देखिए HNO3 B1 प्लस HF लिक्विड रिवर्सिबल रिएक्शन बनाता है H2NO3 प्लस और F2 माइनस जो कि बेस 2 होता है और ये एसिड 1 है। तो इस प्रकार से ये HNO3 जलीय विलयन में अम्ल की तरह व्यवहार शो करता है, प्रकट करता है, और NH3 द्रव HF के अंदर क्षार की तरह व्यवहार करता है। अब बात करते हैं बहुप्रोटिक और बहुक्षारकीय अम्ल की। बहुप्रोटिक इसे पॉलीप्रोटिक या पॉलीबेसिक, ये परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि बहुप्रोटिक या बहुक्षारकीय अम्ल जो है वो क्या है। तो अम्ल जो क्रमिक वियोजन के द्वारा, बहुप्रोटिक या बहुक्षारकीय अम्ल की परिभाषा है, अम्ल जो क्रमिक वियोजन द्वारा दो या दो से अधिक प्रोटॉन देते हैं बहुप्रोटिक। पॉली मीन्स मैनी और बहु मीन्स बहुत सारे, अनेक, एक से अधिक, दो से अधिक। तो अम्ल जो क्रमिक वियोजन के द्वारा दो या दो से अधिक प्रोटॉन देते हैं बहुप्रोटिक अम्ल कहलाते हैं। बहुप्रोटिक अम्ल के क्रमिक वियोजन से प्राप्त स्पीसीज के अम्ल सामर्थ्य जो है वो के ए क्रमशः घटते रहते हैं, जैसे H3PO4 greater than H2PO4 minus greater than HPO4 2 minus। देखिए एसिड 1 प्लस बेस 2, बेस 1 और एसिड 2, H3PO4 प्लस H2O रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ रिएक्ट करके बनाता है H2PO4 minus बेस 1 प्लस एक H3O प्लस जो है वो आइसोलेट हो गया। इसी प्रकार H2PO4 minus प्लस H2O ये बना देता है HPO4 2 माइनस प्लस H3O प्लस VO हो गया, अलग हो गया। इसी प्रकार से HPO4 2 माइनस प्लस H2O बना देता है PO4 3 माइनस प्लस H3O प्लस। तो इस प्रकार से सामर्थ्य के एक जो है वो घटता जाता है H3PO4 H2PO4 और HPO4 2 माइनस जो है। यहाँ स्लिप ऑफ पेंस हो गया है, मेंशन प्लीज 2 माइनस HPO4 2 माइनस देन PO4 3 माइनस जो है वो आ जाता है। अब हम बात करते हैं उभय प्रोटिक विलायक एम्फीटॉरिक सॉल्वेंट्स। एम्फी शब्द से आप पहले भी परिचित हैं, जो हमारे वनस्पति शास्त्र और बायोलॉजी के जो जीव विज्ञान के छात्र हैं इनके काफ़ी इस शब्द का उपयोग होता है। एम्फीटॉरिक्स का एम्फीबियन से क्लासिफाई किया गया है एनिमल्स कैटेगरी में। तो एम्फी मींस जिसकी दो प्रकार की नेचर होती हो, एम्फीबिया
उसी के बेस पे उभय प्रोटिक, उभय मीन्स ड्वेल, ड्वेल नेचर जो है, उभय प्रोटिक विलायक किसे कहते हैं ये परीक्षाओं में पूछा जाता है इसके बारे में, और एग्जांपल्स भी मांगे जाते हैं। तो उभय प्रोटिक विलायक वे विलायक होते हैं, या वे विलायक जो कुछ अभिक्रियाओं में प्रोटॉन दाता तथा कुछ अभिक्रियाओं में प्रोटॉन ग्राही की तरह व्यवहार करते हैं, यानी एक ही है, एक ही विलायक जो कुछ अभिक्रियाओं में तो प्रोटॉन दाता की तरह एक्ट करेंगे और कुछ अभिक्रियाओं में प्रोटॉन ग्राही की तरह एक्ट करेंगे। इस प्रकार के विलायकों को उभय प्रोटिक विलायक कहा जाता है। उभय मीन्स दो, प्रोटिक प्रोटॉन का ट्रांसफरेशन ग्रहण करना या डोनेट करना, तो उभय प्रोटिक विलायक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जल HNO3 के साथ प्रोटॉन ग्राही का कार्य करता है और NH3 के साथ प्रोटॉन दाता का कार्य करता है या भूमिका अदा करता है। अम्ल और क्षारक की, अब हमारा टॉपिक है अम्ल व क्षारक की आपेक्षिक सामर्थ्य का ज्ञात करना। जलीय विलयन में निम्न प्रोटॉन स्थानांतरण साम्य को ध्यान में रखा जाता है, एसिड वन यानी ए वन प्लस बी बेस टू एस टू ओ, रिवर्सिबल रिएक्शन बेस वन बी वन और एस थ्री ओ प्लस ए टू। इनका वियोजन स्थिरांक जो है के इज इक्वल टू एस थ्री ओ प्लस लार्ज ब्रैकेट इंटू बी वन इन ब्रैकेट ए वन एसिड वन इंटू एस टू ओ। अतः तनु विलयन में, जब विलयन में प्रोटॉन स्थानांतरण की मात्रा को साम्यावस्था स्थिरांक के द्वारा परिकलित किया जाता है, तो अम्ल वियोजन स्थिरांक जो है वो के ए इज इक्वल टू के एस टू ओ तनु विलयन में। तो यहाँ इनका मान रखते हैं एस टू ओ के एस टू होगा तो बराबर एस थ्री ओ प्लस बी टू इंटू बी टू अपॉन ए वन बराबर एच प्लस और बी इंटू बी टू अपॉन ए वन। तनु विलयन में एस टू ओ को 55.5 मोल प्रति लीटर मानते हुए के ए बराबर के इंटू 55.5, अतः अम्ल वियोजन स्थिरांक जो है उसको परिभाषा इस प्रकार से हो जाता है, अम्ल वियोजन स्थिरांक प्रोटॉन स्थानांतरण के साम्यावस्था स्थिरांक तथा संदर्भ क्षार की सांद्रता का गुणनफल है, जिनके सापेक्ष प्रोटॉन स्थानांतरण का परिकलन किया जाता है। दोबारा से देखें परिभाषा, अम्ल वियोजन स्थिरांक प्रोटॉन स्थानांतरण के साम्यावस्था स्थिरांक तथा संदर्भ क्षार की सांद्रता का गुणनफल है, जिसके सापेक्ष प्रोटॉन स्थानांतरण का परिकलन किया जाता है। किसी भी क्षारक की बी का सामर्थ्य निम्न साम्य द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। एग्जाम्पल है बी वन बेस वन प्लस एच टू ओ एसिड टू रिवर्सिबल रिएक्शन बी एच प्लस एसिड वन प्लस ओ एच माइनस बेस टू। ये है तो K बराबर हो जाएगा बी एच प्लस इंटू ओ एच माइनस अपॉन बी इंटू एस टू ओ। यहाँ के बी बराबर के एस टू ओ बराबर के एस टू ओ का मान ये हो गया बी एच प्लस और ओ एच माइनस अपॉन बी। एस टू ओ को इधर पक्ष स्थानांतरण किया तो क्षार बी की क्षारक क्षमता को उसके संयुग में अम्ल बी एच प्लस के वियोजक स्थिरांक के ए के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः के ए बी के बी बी बराबर बी एच प्लस ओ एच इंटू ओ एच माइनस अपॉन बी और के ए बी एच प्लस बराबर बी इंटू एच पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन अपॉन बी एच प्लस या के ए बी एच प्लस इंटू के बी बी बराबर एच प्लस और ओ एच माइनस बराबर के डब्ल्यू, या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं के ए इंटू के बी बराबर के डब्ल्यू। यहाँ पी के ए प्लस पी के बी बराबर पी के डब्ल्यू, ये सिद्धांत वियोजन स्थिरांक जो है इस साम्यावस्था प्राप्त होती है, जहाँ माइनस लॉग के एक्स जो है
वो पी लोग, यही कारण है कि पी के एक्स होता है माइनस लोग के एक्स बराबर पी के एक्स, यही कारण है कि इनसे कंक्लूजन जो है वो ये निकलता है। यही कारण है कि संयुग्मी अम्ल प्रबल होगा तो उसका संयुग्मी क्षारक सदैव दुर्बल होगा। ये सिद्धांत जो है अम्ल क्षारक की आपेक्षिक सामर्थ्यता प्रकट करता है। तो यह हमारे ब्रॉन्स्टेड लॉरी साहब के सिद्धांत में हम लोग आज पढ़ रहे थे। आगामी कक्षा में हम फिर बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत को आगे ले जाते हुए सम आयनन विलायक तथा विषम आयनन विलायक के बारे में, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी धारणा की उपयोगिता क्या है, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत की सीमाएं क्या क्या है, कहाँ ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होता है, उसके बारे में आगामी कक्षा में बात करेंगे, आने वाली कक्षा में। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। स्वयं भी कोरोना के कुप्रभाव से बचिए और साथ में अपने आसपास के लोगों को भी अवगत कराएं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पारित किए गए नियमों का पालना करें और बचाव ही इसका उपाय है। नमस्कार।